आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल घंटी को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हेलो गाइस, वेलकम टू द वीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू अपडेट माय नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 3 डिजिट का क्यू निकालते हैं। दोस्तों आज तक तो आपने सीख ही लिया होगा कि 2 डिजिट का क्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में इसका पार्ट 2 तक बना रखा है। पार्ट वन में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसका क्यू कैसे निकालें। उसके बाद मैंने इसके अगले एक वीडियो में बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट का नंबर ही था, लेकिन जिस संख्या के लास्ट में 1 आता हो, डबल 2 आता हो या डबल पेयर का हो, जैसे 22 हो गया, 33 हो गया। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 3 डिजिट का नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर की ट्रिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, मल्टीप्लाई का ट्रिक बता दिया है, और आज जो क्यू का होगा ट्रिक, ये हम लोगों का लास्ट होगा दोस्तों। और चलिए तो भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं उन दोस्तों का नाम लेना चाहता हूं जिन दोस्तों ने मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दिया है या मेरे वीडियो को कमेंट किया है, मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले है संदीप कुमार राम, जो मेरी वीडियो में कमेंट किया है, इनका नाम है संदीप कुमार राम। और रोज की तरह दोस्तों आज भी है विश्वजीत कुमार। हाँ दोस्तों, विश्वजीत कुमार, क्योंकि ये जो है विश्वजीत कुमार, ये बहुत ही मेरे प्रिय स्टूडेंट है और ये मेरे हरेक वीडियो में कमेंट करते हैं और हरेक जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब भी देते हैं। और बहुत ही जल्द दोस्तों मैं इनके साथ एक वीडियो भी बनाने वाला हूं। उसके बाद है आशुतोष कुमार जी, ये भी मेरे हरेक वीडियो को कमेंट करते हैं। उसके बाद है सोनी सिंह, ये भी मेरी वीडियो पे कमेंट करती हैं। और दोस्तों एक बहुत ही मेरे अच्छे फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है मेरे, जयशंकर सिंह पटेल, इन्होंने तो बहुत ही बढ़िया लाइन लिख दिया है, लिखा है कि यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने तो मेरा जो हैसियत है उससे ज्यादा ही कुछ कमेंट करके बता दिया है, इन्होंने मुझे ऐसे दर्जे पे लाके खड़ा कर दिया है कि दोस्तों मैं खुद से बयान नहीं कर पाता हूँ कि इन्होंने क्या कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। इन्होंने मेरी तुलना एक बहुत ही बढ़िया टीचर से कर दी है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे उस काबिल तो समझा। आप लोग को दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इन्होंने क्या कमेंट करके दिया है, लिखा हुआ है यू आर बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। तो जयशंकर सिंह पटेल को मैं अपनी तरफ से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक है कि कैसे हम लोग 3 डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 डिजिट का बता दिया था कि क्यू कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद वीडियो देखने के बाद उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। उसकी मैं वीडियो की जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि 3 डिजिट का क्यू कैसे निकालें, यानी मुझे निकालना है 102 का क्यू निकालना है। दोस्तों रोज की तरह दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो भी क्यू होता है हम लोगों को सबसे पहले 4 लाइन में ड्रॉ करना होता है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि जो भी मेरा क्यू निकलेगा वो 4 लाइन में हम लोग ड्रॉ करते थे। और जो हम लोगों का 3 डिजिट का क्यू है, इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 3 बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो लास्ट वाला कॉलम बना हुआ है, जो लास्ट वाला डब्बा है, ये जो लास्ट वाला लाइन है, इसमें हम लोगों को बस 2 ही संख्या लेना है। हम लोगों को इस वाले लाइन में बस 2 ही संख्या लेना है। अगर तीसरी संख्या आती है तो तीसरी संख्या को इसके आगे वाले में हम लोगों को ऐड कर देना है। दोस्तों मैंने क्या बोला कि ये जो लास्ट बॉक्स है, ये वाला भी बॉक्स है, ये वाला भी बॉक्स है, ये जितने भी बॉक्स आ रहे हैं उनमें हम लोगों को हाईएस्ट नंबर 2 ही रखना है। अगर 2 से ज्यादा नंबर आता है, अगर मान के चलिए कि इसमें 2 से ज्यादा नंबर आया तो मेरे को यहीं पे 2 वाला नंबर लिखना है, जो उसके पहले वाला नंबर है उसको इसके साथ ऐड कर देना है। और इन केस मान के चलिए कि यहाँ भी 3 नंबर आ गया तो यहाँ पे भी मेरे को 2 रखना है और उसके साथ जो 1 है उसको इसके इस वाले कॉलम में ऐड कर देना है। आई होप कितनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों मेरे को क्या करना है कि जब मैंने आप लोगों को स्क्वायर की ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेके हम लोगों को जो 9 तक के नंबर होते हैं उसके पहले दोस्तों हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। उसी तरह इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, जो नंबर आएगा यहाँ पे उसके साथ 0 9 लगा के, क्योंकि हमें
टू डिजिट फुलफिल करना है, इसीलिए यहाँ पे 09 लगा के इसे हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इस वाले कॉलम में हमेशा दो नंबर ही रखने हैं, अगर इनके 3 नंबर आता है तो पहले वाले नंबर को इसके साथ ऐड कर देना है। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें काम यही करना है हम लोगों को कि इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, यानी इधर से पीछे की तरफ से 2 पेयर बना लीजिए, इन दोनों का पेयर बना लीजिए और इसका एक सिंगल पेयर कर लीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे लिख दीजिए आप 1, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ये 1 का मैंने क्यू लिखा है, तो 1 का क्यू दोस्तों 1 ही होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, 02 है, 02 का जब हम लोग क्यू करेंगे यानी 2 का जो हम लोग क्यू करेंगे क्या होता है 8 होता है। और अभी मैंने आप लोगों को बोला कि 1 से लेके 9 तक की जितनी भी संख्या होती है उसके पहले हम लोगों को 0 लगाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 08। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने 1 का क्यू लिखा 1 लिख दिया, 02 का क्यू मैंने लिखा 8 होता है और 8 के पहले मैंने 0 लगा दिया। उसके बाद दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करना है इस 02 में और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 3 में। दोस्तों जब मैं आप लोग को स्क्वायर बता रहा था तो मैं ऐसे ही बता रहा था, यहाँ पे जितनी भी नंबर होती है उनको आपस में गुणा करना होता था। जैसे मान के चलिए मेरे पास 23 रहता था, 23 का मेरे को स्क्वायर जब निकालना रहता था, मैंने स्क्वायर वाली ट्रिक में आपको बताया था कि 2×3×2 कर देने से हम लोग का स्क्वायर निकलता था। उस तरह से भी इसी में काम हम लोगों को करना है कि अगर हम लोग 3 डिजिट का क्यू निकालना है हम लोगों को, तो 1×2 में ये वाला नंबर और उसके साथ जो ये वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×2 = 6 हो गया, मेरे पास कितना आ रहा है 06 आ रहा है। तो इस वाले कॉलम में मेरे को भर देना है 06। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस कॉलम में मैंने क्या भरा है, इसमें भरा है मैंने 06। क्यों मैंने 06 लिया है, क्योंकि मैंने 1×02 ये वाला जो मैंने 2 डिजिट का पेयर बनाया था वो और ये वाले 3 वाले को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पे कितना आ गया 06 आ गया, मैंने 06 यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों जो ये आंसर आया है 06, अब इसमें मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले नंबर के साथ, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6×2 = 12, यहाँ पे भर देना है दोस्तों 12। हो गया दोस्तों आंसर, आंसर मेरे पास क्या आ गया 1061208। दोस्तों आप लोग एक बार अगर ट्रिक समझ जाइएगा कि कैसे बन रहा है, आप लोग विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर ही कर दीजिएगा, क्योंकि 1 है मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 06 था 06 लिख दिया, यहाँ पे 12 था मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पे 08 है मैंने यहाँ पे 08 लिख दिया। हो गया दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों आप लोगों को बस ध्यान यही देना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसे ठीक से सुनिए, ठीक से सुनने के बाद उसे आप लोग खुद से कीजिए, अप्लाई कीजिए, आप लोग जरूर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, अब मैं आप लोगों को कराता हूं 104 का क्यू कैसे लिखें। दोस्तों अब मैंने यहां पे नंबर लिखा है 104, इसका क्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, सेम वही काम करना है, इसका पेयर बना लेना है और हमें कितने लाइन ड्रॉ करने हैं, 4 लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले इस 1 का क्यू निकालेंगे, यहां लिख देंगे, फिर इसका 4 का क्यू निकालना है। दोस्तों 4 का क्यू क्या होता है 64, अभी भी 2 डिजिट में चल रहा है, अगर 3 डिजिट आता है उसके बाद हम मैं बताऊंगा कि 3 डिजिट में कैसे लेना है, यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया। अब दोस्तों उसके बाद क्या काम है, जो 1 है 1 में मल्टीप्लाई किससे करना है 04 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, इसमें 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, और फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4×3 = 12, यहाँ पे लिख देना है 12, ठीक है। और ये जो आंसर आया है 12 इसको मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है इस 04 से, ये जो 12 आया है आंसर इस वाले आंसर में मुझे मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर का 04 का, तो कितना जाएगा 12×2 = 36, 12×4 = 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ में आ गया, यहाँ पे क्या भर दूंगा मैं 48 भर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसमें क्या किया है, इससे सबसे पहले 2 पेयर में मैंने कर दिया, इधर वाला पेयर मैंने 2 डिजिट का लिया है 04, इधर 1 लिख दिया, इस 1 का मैंने क्यू लिख दिया क्योंकि 1 का क्यू 1 ही होता है, और 04 का जो क्यू होता है यानी जो 4 है 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस वाले 1 का मल्टीप्लाई किया है इस 04 के साथ और इस 3 के साथ, इन तीनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब ये जो 12 आया है मैंने इसके क्या किया है, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है,
यानी जब मैंने 12 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 48। और दोस्तों हो गया यही हम लोगों का आंसर। बस कुछ नहीं करना है, जैसे आया है इस चार नंबर, चार जो एरो मैंने खींचे हैं इन्हीं चार में नंबर आंसर आ गया, यानी जो आंसर होगा मेरा क्या हो जाएगा 1124864। ये दोस्तों हो जाएगा हम लोगों का क्यू, किसका 104 का क्यू। आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को सही में समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था 104 का क्यू। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको 105 का क्यू कैसे लिखा। दोस्तों अब देखते हैं 105 का क्यू। सबकी तरह हमेशा जो मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने ये चार लाइन ड्रॉ कर दी थी, फिर ये चार लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैंने इन दोनों का पेयर बनाया और फिर इसको सिंगल डिजिट में रख दिया। अब वन का जो है क्यू निकालेंगे, वन का क्यू वन ही होता है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए दोस्तों आ गए यहाँ पे, यानी पांच का क्यू क्या होता है 125 होता है। पांच का क्यू क्या होता है दोस्तों 125 होता है। और मैंने बोला था कि हमेशा हमें इस वाले नंबर में कितना रखना है, टू डिजिट ही रखना है, और तो मेरे को पीछे से टू डिजिट यहाँ पे कितना आ रहा है 25 यहाँ पे रख देना है। बस इतना ही काम करना है, ये जो वन आ गया इसके साथ मेरे को ऐड कर देना है, जो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है। अब देखिए क्या होगा, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने 05 लिया है और 05 का जो क्यूब होता है कितना होता है 125 होता है। 125 मैंने यहाँ पे लिख दिया, पीछे से दो डिजिट 25 यहाँ पे रख दिया और 1 को मैं यहाँ पे कैरी ले गया। उसके बाद दोस्तों क्या काम होता है कि 1 में मल्टीप्लाई करना होता है 05 से, मल्टीप्लाई करना होता है 3 से, यानी 5 में जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही होगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना, जब 5 में जो 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, ये हो गया मेरे पास 15। यहाँ पे आ गया 15, और 15 में फिर दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना होता है, इस 5 से। 15 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 15 5 75 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 75 लिख देना है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि मैंने बोला था कि यहाँ पे 125 आया है तो मैंने 25 लिख दिया था और एक इसके साथ ऐड कर दिया था। अब दोस्तों वही काम करना है, यहाँ पे क्या जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 5 और एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो 7 है वहां पे 7 ही हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, दोस्तों ये हो गया इसका क्यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग एक एक करके आराम से वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो मैं हर एक वीडियो के एंड में आप लोगों से होमवर्क देता हूं, और जो बच्चे मेरा होमवर्क करके लाते हैं या मुझे कमेंट करके बताते हैं मैं उनका नाम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में लेता हूं। दोस्तों ये हो गया मेरा 105 का क्यू। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा 110 का क्यू कैसे निकालेंगे, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी है, 110 का क्यू कैसे निकालेंगे। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन क्या है 110 है। दोस्तों सेम वही काम करना है, इसमें एक पेयर बना लेना है, इसको अलग कर देना है, और हमें कितने लाइन ड्रॉ करनी है 4 लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले 1 का क्यू निकाल देना है, दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस 10 का क्यू निकाल देना है, 10 का क्यू कितना होता है ये होता है 1000। अब दोस्तों क्या काम करना है, हमें इसमें का ये दो डिजिट ही लेना है, यानी यहाँ पे 2 नंबर ही आएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि इस हर एक कॉलम में कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर रख सकते हैं, तीसरा नंबर नहीं रख सकते हैं, तो 2 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया और बच क्या गया मेरे पास 10। इस 10 को इसके साथ ऐड कर दीजिए, इस 10 को इसके साथ क्या करना है ऐड कर देना है, यानी 10 यहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरा काम क्या था, इस वाले को फिलअप करना, इसको फिलअप करने के लिए क्या करना होता है 1 में 10 से गुना, उसके बाद 3 से गुना, यानी 10 एकम 10, 10 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आ गया जो मेरे पास आंसर 30, उसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो 2 डिजिट होता है यानी 10 से, तो 10 में जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को क्या डाल देना है 300 डाल देना है। अब दोस्तों ऐड कर देना है, कैसे आप लोगों को ये तो समझ में आई गया होगी कि मैंने ये क्या किया है। अब देखिए दोस्तों इसे ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का भी सेम वही, 0 यहाँ पे 0 आ गया। अब 10 10 है मान के चलिए, 10 मैं इसके वहां पे लिख देता हूँ ऐसे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 0 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1। दोस्तों ये हो गया इसका आंसर, आंसर क्या हो गया 13 0 13 0 31 000।
दोस्तों ये हो गया मेरा 110 का क्यूब। आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आप लोग जो भी वीडियो है पूरा एंड तक देखिए, एंड तक देखने के बाद ही दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। और रोज की तरह दोस्तों आज में भी आप लोगों को होमवर्क दूंगा, और जो बच्चे मेरा होमवर्क करके मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो अब आप लोग कीजिएगा होमवर्क। होमवर्क में दोस्तों कीजिएगा 111 का क्यूब कर देना है, 115 का क्यूब करना है। आप लोग दोस्तों बहुत से भी बड़े संख्या का कर सकते हैं, 113, 117 और 119 का क्यूब कीजिएगा। दोस्तों ये था आप लोगों के लिए होमवर्क, और जो बच्चे मेरे होमवर्क का जवाब देते हैं मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं। आप लोगों को बस जरूरत है दोस्तों प्रैक्टिस करने की। आप लोग देखिए इस वीडियो को, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देख देख के आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ाई नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोगों को अगर सीखना है तो आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, एक एक दो दो क्वेश्चन कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो भी नंबर लेना है उस नंबर का आप लोग निकाल सकते हैं विद इन 5 सेकेंड में दोस्तों, एकदम हो जाएगा 5 सेकेंड में दोस्तों। बस आप लोगों को रिविजन करने की जरूरत है, और जो मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक को फॉलो करने का जरूरत है। आप लोग उस ट्रिक को फॉलो कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।